हे फूडीज, अंजुस किचन में आपका स्वागत है। सभी लोग गर्मियां आते ही आइसक्रीम के बारे में सोचने लगते हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है कस्टर्ड आइसक्रीम। कस्टर्ड आइसक्रीम घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे। मैं यहाँ पे पिस्ता फ्लेवर ले रही हूँ, आप यहाँ पे वेनिला या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले सकते हैं। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ताज़ा दूध। दूध आप यहाँ पे ताज़ा या ठंडा ले सकते हैं, गर्म दूध ना ले जिससे इसमें गुठलियाँ पड़ सकती है। आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर को हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक पैन ले लेंगे, इसमें हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लेंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के दूध में एक उबाला आने का वेट कर लेंगे। ये देखिए, दूध में जैसे ही उबाला आ जाए तो हम यहाँ पे डालेंगे 1.5 कप चीनी। चीनी को दूध में मिक्स कर दे और दूध को लगातार चलाते हुए दूध को हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम यहाँ पे कस्टर्ड का मिक्सचर डाल देंगे। डालने से पहले कस्टर्ड और दूध को अच्छे से मिक्स करके इसे हम दूध में डालेंगे। कस्टर्ड को डालते ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इस समय आप इसे बिल्कुल भी ना छोड़े। गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसे लगातार चलाएंगे। इसे हम लगातार 10 मिनट के लिए पकाएंगे। आप यहाँ पे चीनी की जगह कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे हमने लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए पका लिया है। लगातार 10 मिनट पकने के बाद ये देखिए कस्टर्ड बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही गाढ़ा होगा, इसलिए हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद करके कस्टर्ड को ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे, हमें इसे जमाना नहीं है। अब हम एक बाउल में व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। व्हिपिंग क्रीम और बाउल एकदम ठंडी होनी चाहिए। अब हम इसे व्हिप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे अमूल की क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल मिक्सचर ना हो तो आप इसे ग्राइंडर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राइंडर जार को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में चिल करके व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप कर सकते हैं, या फिर आप हैंड विस्कर से भी क्रीम को अच्छे से व्हिप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये देखिए, 10 से 15 मिनट व्हिप करने के बाद हमारी व्हिपिंग क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। 3 घंटे बाद हमारा कस्टर्ड भी बिल्कुल भी ठंडा हो चुका है। ये देखिए, ये पहले से भी बहुत ही गाढ़ा हो चुका है। कस्टर्ड को हम क्रीम में डाल के इसे 2 से 5 मिनट के लिए व्हिप कर लेंगे। ध्यान रखिए, गरम कस्टर्ड को क्रीम में बिल्कुल भी ना डालें। यहाँ पे हम कस्टर्ड को व्हिप करके इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फिर से फ्रीजर में रखेंगे। इसे मैंने टोटल 2 बार व्हिप किया है, जिससे हमारी आइसक्रीम बाजार जैसी स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर की मिलेगी। ये देखिए, कस्टर्ड को भी हमने अच्छे से व्हिप कर लिया है। यहाँ पे हमारा आइसक्रीम का बेस तैयार हो चुका है। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में डालेंगे। तो यहाँ पे मिक्सचर को डाल दें ऐसे। अब हम इसे ढक्कन से बंद कर देंगे, या फिर आप इसे फॉइल पेपर या क्लीन फिल्म लगा के कवर कर दें, उसके बाद ढक्कन लगाएं। इसे लगाने से आइसक्रीम के ऊपर बर्फ नहीं जमती है। मैंने इस आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीजर में रखने के बाद निकाला है, या फिर आप इसे 7-8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। ये देखिए, पूरी रात रखने के बाद कितने अच्छे से आइसक्रीम हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसे स्कूपर से इस तरह से सर्व करेंगे। आप इस आइसक्रीम को बनाने के लिए व्हिपिंग क्रीम का ही इस्तेमाल करें। अगर आप फ्रेश क्रीम यूज करेंगे तो उसमें बर्फ जम सकती है। ध्यान रखें, अगर आप आइसक्रीम को 2 से 3 बार व्हिप करते हैं तो आपकी आइसक्रीम बाजार से भी क्रीमी टेक्सचर की मिलेगी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे कम से कम 3 बार व्हिप कर लें। अब हम इसे टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देंगे और लीजिए, हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बन के तैयार है। इसका टेस्ट बहुत ही क्रीमी और लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। रेसिपी ट्राई करने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।